हेलो गाइस, मैं हूं अंकुल कौशिक और आज हम ये हमारा चैनल यूपीएससी एफसीएस वर्ल्ड आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 11th एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में सेकंड चैप्टर है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। उसका पहला टॉपिक ही है ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो देखिए, जब से भी इंसान मॉडर्न टाइम्स की अगर हम बात करते हैं, जब से भी इंसान ने रिसर्च करना स्टार्ट किया है, अपने आस पास चीज़ों को नोटिस करना स्टार्ट किया है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आया है सभी साइंसेज डेवलप होने से पहले, सबसे पहला क्वेश्चन ये आया है कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ होगा। इंसान का ओरिजिन तो हम लोग पढ़ते ही हैं, बायोलॉजी में हम लोग पढ़ा है कि ओरिजिन मतलब जितने भी डिफरेंट स्पीसीज हैं दुनिया में उनके सबका ओरिजिन कैसे हुआ है, लेकिन अर्थ का ओरिजिन भी उतना ही हमेशा से परेशान करता रहा है ह्यूमंस को जितना कि बाकी सब चीज़ें परेशान करती है। तो अर्थ के ह्यूमन ओरिजिन के लिए रिलीजियस टेक्स्ट को अगर छोड़ दें, हमें रिलीजियस टेक्स्ट को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि रिलीजियस टेक्स्ट में सभी रिलीजन ने अलग अलग अपने फिलोसफीज दी हैं, अलग अलग तरीके बताए हैं जिनसे कि अर्थ बनी थी। तो मॉडर्न एरा में जो अर्थ को बनने के लिए जो थ्योरीज आई हैं नई नई, उनको हमने दो दो हमने क्लासेस में डिवाइड किया है। पहला है अर्ली थ्योरीज हैं ये, और दूसरी आती है मॉडर्न थ्योरीज। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि अर्ली थ्योरीज स्टार्टिंग में जो सिंप्लीफाइड थ्योरीज होंगी, जब रिसर्च ज़्यादा हुई नहीं होंगी तो जो साइंटिस्ट या फिलोसोफर उस टाइम पर होंगे उन्होंने जो थ्योरीज दी होंगी वो दरअसल हाइपोथेसिस थे, उधर से उन्होंने कुछ फैक्ट्स इकट्ठे किए, उनके बेसिस पे एक अजम्पशन दे दी। ठीक है, उसके बाद फिर जब ज़्यादा रिसर्च हुई, ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता चला, तो ज़्यादा फिर हमने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी दी, ज़्यादा जो अर्ली थ्योरीज के बेसिस पे जो क्वेश्चन जो रेज हुए थे, क्योंकि अर्ली थ्योरीज में हालांकि अर्ली थ्योरीज सही नहीं थी उतनी ज़्यादा, लेकिन वो जो क्वेश्चन जो आए थे अर्ली थ्योरीज के, उन्हीं क्वेश्चन ने हमें मॉडर्न थ्योरीज तक पहुंचने में हेल्प की थी। मान लीजिए किसने, अभी हम नेबुलर हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, नेबुलर हाइपोथेसिस में किसने कुछ एक पर्टिकुलर थ्योरी दी है, तो ऑब्वियसली साइंटिफिक कम्युनिटी जो वो उसके ऊपर क्वेश्चन रेज करती है, उन क्वेश्चन से फिर नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी उन्होंने उन क्वेश्चन पे काम करना स्टार्ट किया। तो अर्ली थ्योरीज ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है अर्ली थ्योरीज भी, वो अलग बात है कि आजकल जो हम काम कर रहे हैं, आजकल जो हमारी रिसर्च हो रही है उसमें मॉडर्न थ्योरीज के बेसिस हो रही है। तो पहले एनसीईआरटी में तीन थ्योरीज आपकी दी गई है, तीन बार समझाया गया इसको अर्ली थ्योरीज के बारे में। पहली है नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस हमारे बहुत ही फेमस हमारे एक जर्मन फिलोसोफर थे, सबने उनका नाम सुना ही होगा, इमैनुअल कांट, इन्होंने दी थी 1755 में दी थी इन्होंने ये थ्योरी। एनसीईआरटी में नहीं लिखा है तो इसलिए मैंने भी नहीं लिखा, एनसीईआरटी में सिर्फ इतना लिखा है कि जर्मन फिलोसोफर थे इमैनुअल कांट, उन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस एक थ्योरी दी थी। इस थ्योरी को रिवाइज किया था लाप्लासन ने 1796, और रिवाइज करने के बाद जो इससे कंक्लूड दिया गया वो ये था कि इट कंसीडर्ड दैट दिस थ्योरी नेबुलर हाइपोथेसिस कंसीडर्ड दैट planets were formed out of a cloud of material associated with a youthful sun which was slowly rotated. के planets जो है वो कैसे बने हैं, obviously बात है अर्थ की बात करें तो बाकी planets की भी करेंगे हम बात, तो बाकी जितने planets हैं including अर्थ, वो कैसे बने, were formed out of a cloud of material, एक material का cloud था associated with youthful sun, एक youthful sun के चारों तरफ। youthful sun कौन सा हमारा, यही sun है जो हमारा आज है, लेकिन उस टाइम पे यूथफुल स्टेज में रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, विच वॉज स्लोली रोटेटिंग, जो कि बहुत धीरे धीरे रोटेट भी कर रहा था। रोटेशन क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता ही होगा। तो इसके नाम से चल रहा है नेबुलर हाइपोथेसिस, का मतलब ये थ्योरी नेबुला से रिलेटेड है। वो नेबुला क्या है, वो क्लाउड ऑफ मेटीरियल है। नेबुला की डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस इन स्पेस। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे क्लाउड ऑफ मेटीरियल बोला है नेबुला को। तो इस सन के चारों तरफ एक क्लाउड था, नेबुला था, और ये सन धीरे धीरे रोटेट कर रहा था अपनी जगह पर के। इसके अलावा कुछ कर रहा था नहीं कर रहा था, वो सब चीजें नहीं बताई हमें, नाम में पढ़नी है अभी फिलहाल एटलीस्ट। तो यही जो मास है धीरे 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 हमारे 9 planets में, उस मेरा मतलब 8 planets में, उस टाइम पे जब थ्योरी आई थी तब 9 planets कंसिडर किए जाते थे, तो वही जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनमें में कंडेंस होकर के बदल गया, ऐसा इन्होंने बोला। सिर्फ इतना ही था इस थ्योरी में, ज्यादा कुछ नहीं था। फिर उसी थ्योरी को जब नए नए आगे फिर नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्वेश्चन रेज किए जैसा कि हमेशा होता ही है। तो फिर चैम्बरलिन और बॉल्टन, दो साइंटिस्ट, दो हमारे नए रिसर्चर्स आए, साइंटिस्ट बोल सकते हैं कुछ भी, उन्होंने 1900 में एक थ्योरी दी। उन्होंने बोला कि ए वॉन्डरिंग स्टार अप्रोच द सन, कि हमारा ये सन तो है ही, सन तो हमेशा से है ही, हमेशा मतलब अर्थ के ओरिजिन से पहले से, अर्थ के ओरिजिन हम जब से कंसीडर करते हैं उससे पहले सन तो होगा, और एक और तारा आया, सन इज ऑल्सो तारा,
सन भी एक स्टार है, ये बात हमें पता है, एक तारा और आया, ठीक है। तो वो तारा जब अर्थ के पास आया तो सिगार शेप्ड एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल वाज सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस, तो एक सिगार शेप्ड मटेरियल जो था वो सेपरेट हो गया सोलर सरफेस से। कैसे हो गया ये प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ, थ्योरी इंपॉर्टेंट है तो थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो प्रोसेस समझना है। तो ये हमारा सन है, ऑब्वियसली यूथफुल स्टेज नहीं होगा, आज की कंपैरिजन में तो होगा ही होगा। अब यहां से एक दूसरा तारा गुजरा, ये तारा गुजरा, ये तारा जब सन के पास आया इस तरीके से गुजरा होगा, जब ये कहीं से सन के पास आया यहां पे, तो इसने क्या क्या इंपैक्ट डाला होगा उसके ऊपर, इसके ऊपर इसने ग्रेविटेशनल फोर्स डाली होगी। वी नो अबाउट ग्रेविटी, हम जितने भी सैटेलाइट हैं वो अर्थ का चक्कर लगाते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ओनली, चांद भी ग्रेविटी की वजह से अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो इसने इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई होगी। जब वो फोर्स लगाई होगी तो इसको इसने अपने तरफ तरफ खींचा होगा, और जब इसको खींचा तो इससे थोड़ा सा मेटीरियल निकला बाहर, थोड़ा सा मेटीरियल बाहर की तरफ निकला। उसके बाद जैसे जैसे ये स्टार सन के पास आया होगा तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो बढ़ती गई होगी, इसकी वैल्यू बढ़ती गई होगी, तो ये जो मेटीरियल निकल रहा है उसकी क्वांटिटी भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती गई होगी, बढ़ेगी ना जब यहां आएगा। तो फिर वापस जब थोड़े टाइम बाद जब दूर जाने लगेगा फिर दोबारा ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो फिर जो मेटीरियल निकल रहा है उसकी क्वांटिटी फिर कम हो जाएगी। तो उस बेसिस पे उन्होंने बताया कि एक सिगार शेप मेटीरियल अर्थ से निकला। शिगार शेप क्यों निकला, क्योंकि जब तारा दूर था तो कम मेटीरियल निकला, क्योंकि कम फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट हो रही थी सन के ऊपर। जब तारा पास था सन के, हमारे सन के, तो मास जो था क्वांटिटी उसकी ज्यादा थी मेटीरियल निकलने की, और फिर अगेन जब वो दूर चला गया तो फिर वो दोबारा जो है वो क्वांटिटी कम हो गई। तो ये मेटीरियल जो शिगार शेप निकला, और यही हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं उनको अगर एक कतार में रख दे तो यही उनका स्ट्रक्चर बनेगा। हमारे सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स हैं, बीच में बड़े प्लैनेट्स हैं, आगे और पीछे छोटे प्लैनेट्स हैं, ये वेल नोन फैक्ट है, ये आप सबको पता होगा, हमने पढ़ाया। ये तो यही धीरे धीरे फिर उसके बाद एज द पासिंग स्टार मूव अवे द मेटीरियल सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस कंटिन्यू टू रिवॉल्व अराउंड द सन। अब क्या हुआ, ये पासिंग स्टार तो चला गया, इसने सन के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी एग्जर्ट की, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा नहीं थी, अगर इतनी ज्यादा नहीं थी कि इस मेटेरियल को वो अपने साथ ले जा सकता। अगर इतनी होती तो ले जाता, लेकिन नहीं थी, तो मेटेरियल सन के ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो होगा ना, सन के ग्रेविटेशनल फोर्स से स्फीयर से बाहर नहीं निकल पाया, वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने लगा, एंड इट स्लोली कंडेंस इनटू प्लैनेट्स, और धीरे धीरे फिर ये ठंडा होने लगा। जब ठंडा हुआ तो फिर ये हमारे प्लैनेट्स में कन्वर्ट हो गया, बीच के जमाने बड़े प्लैनेट्स बन गए, आगे पीछे वाले सोलर, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पे जो आता है इसमें स्लोली यहां पे क्या है, सर जेम्स जीन्स ने और सर हैरल्ड जेफरी ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया था, ठीक है। इस थ्योरी के ऊपर फिर क्वेश्चन कुछ उठे कि ऐसा मतलब कौन सा, मतलब तारा कहां से आया, कब आया, कैसा आया, इनका कंडेंस होने का मतलब रीजन क्या था, कि नो प्लैनेट से क्यों बने, वो सब क्वेश्चन जो रेज हुए थे उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम एनसीईआरटी पे स्टिक करते हैं। तो अब हम चलते हैं तीसरी थ्योरी की तरफ, ठीक है। तो सेकेंड थ्योरी के बारे में हमने पढ़ लिया है, चैम्बरलेन एंड मॉल्टन ने सेकेंड थ्योरी दी थी, फर्स्ट नेबुलर हाइपोथेसिस, सेकेंड थ्योरी चैम्बरलेन मॉल्टन ने दी थी। इस थ्योरी को हम प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, जो कि हम आगे जब हम यूपीएससी के लिए हम पढ़ेंगे तो अलग अलग सोर्सेज से पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे डिटेल में, लेकिन फिलहाल तो हम सिर्फ उसी के बारे में बता रहे हैं जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी में और दूसरा बात, इन थ्योरीज को एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, जो सेकेंड थ्योरीज है, सेकेंड थ्योरी जैसी और भी थ्योरीज आई थी, इंपॉर्टेंट वाली एनसीईआरटी ने दे दी हमें पढ़ने के लिए, लेकिन इसके जैसी और भी थ्योरीज थी जो कि टू सन इन्वॉल्व करती थी, जिसमें कि दो स्टार्स थे, एक हमारा वाला स्टार और एक इंक्लूडिंग स्टार था, इसको क्या बोला जाता है, जो आया था इंक्लूडिंग स्टार, तो ये जो थ्योरीज है जिनमें कि दो स्टार्स को बताया गया, अर्थ के फॉर्मेशन में बताया गया कि दो स्टार्स का रोल था,
उन थ्योरीज को एनसीईआरटी ने बोला बाइनरी थ्योरीज के नाम से। यहाँ पर लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाइनरी थ्योरीज क्यों बोला गया बाइनरी थ्योरीज? क्योंकि इसमें अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट दो स्टार्स इन्वॉल्व थे। अर्थ का फॉर्मेशन या प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होने के प्रोसेस में दो स्टार्स इन्वॉल्व थे। बाइनरी का मतलब दो होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड थ्योरी के बारे में। अब हम थर्ड थ्योरी पे आते हैं जो कि एनसीईआरटी में लिखी हुई है। थर्ड थ्योरी 1950 में दी थी, ऑटो स्मिच और कार्स वर्जेस करने। ये बेसिकली कुछ नहीं थी, ये थ्योरी में सिर्फ नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज किया गया। कांत जी ने एक फिलोसफी देकर छोड़ दिया। कांत जो थे फिलोसोफर थे, उन्होंने एक फिलोसफी बनाई बैठे बैठे एजम्पशन की और छोड़ दिया चीजों को कैसे हुआ होगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा सा उसकी डिटेल में गए और उसके प्रोसेस के कॉजेस पे काम किया कि ऐसा क्यों हुआ होगा। उस प्रोसेस को थोड़ा सा डिफाइन करने की इन्होंने कोशिश की। क्या कोशिश थी वो हम आपको पढ़ते हैं। क्या कि सन वाज सराउंडेड बाय सोलर नेबुला, कि हमारा सन है इट वाज सराउंडेड बाय सोलर नेबुला। ये तो हमने पढ़ ही चुके हैं। कंटेनिंग मोस्टली हाइड्रोजन। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये भी बताया कि उस नेबुला में क्या था। उस नेबुला में इनके हिसाब से मोस्टली हाइड्रोजन थी और हीलियम थी, अलोंग विद व्हाट इज टर्म्ड एज डस्ट। किसके साथ? डस्ट के साथ, जिसको कि हम डस्ट कहते हैं। हमारा जो भी कुछ अर्थ और जितना भी स्पेस मैटर बने हुए सब इसी डस्ट के बने हुए हैं और इन्हीं गैसेस के बने हुए हैं। और कुछ तो है ही नहीं हमारे यूनिवर्स में इनके अलावा। तो हाइड्रोजन थी मेनली, हीलियम थी मेनली और डस्ट थी सबसे ज्यादा। उसके बाद द फ्रिक्शन एंड कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स लेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ डिस्क शेप्ड क्लाउड एंड द प्लैनेट वर्क। ये बोले कि अब नेबुला तो है सन के चारों तरफ, लेकिन धीरे धीरे इन पार्टिकल्स में 10 पार्टिकल्स हैं, गैसेस भी होंगी, घूम रहे हैं, सन से रोटेट कर रहा है, थोड़ा बहुत इंपैक्ट उसमें फोर्स पड़ रही होगी। अब इन पार्टिकल्स में फ्रिक्शन स्टार्ट हो गया। फ्रिक्शन स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ कि ये पार्टिकल, ये नेबुला था, ये एक डिस्क शेप में सन के चारों तरफ एक डिस्क शेप में अरेंज हो गया इस तरीके से। इस तरीके से लेड टू फॉर्मेशन ऑफ डिस्क शेप क्लाउड, एक डिस्क शेप क्लाउड में बदल गया है। एंड प्लैनेट्स वर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। और एक के साथ एक्रीशन का मतलब होता है एक के साथ एक्युमुलेशन ऑफ वन पार्टिकल ओवर अनदर। एक पार्टिकल के ऊपर दूसरा पार्टिकल, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, हजार, दो हजार, करोड़, दो करोड़, इस तरीके से सभी पार्टिकल्स मिलते रहे और एक्रीशन होता है। और ये एक्रीशन 8 या 9 जगह पे, उस टाइम पे जो थ्योरी आती है 9 प्लैनेट्स थे, 9 जगहों पे हुआ। और वो 9 जगह पे क्या बने, वो 9 प्लैनेट्स बन गए ठंडे होने के बाद, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड थ्योरी थी। ये 3 मेन थ्योरीज है जो कि एनसीईआरटी ने हमें बताई है पढ़ने के लिए अर्ली थ्योरीज में। अब हम आते हैं मॉडर्न थ्योरीज की तरफ, थोड़ा चलते हैं। हालांकि मॉडर्न थ्योरीज नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि अर्ली थ्योरीज में क्या था कि हम फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ रहे थे। 3 थ्योरीज हमें एनसीईआरटी ने बोली पढ़ने के, हमने पढ़ ली। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीता, नए नए रिसर्चेस होती रही, तो साइंटिस्ट ने ध्यान दिया कि हम अर्थ के पीछे गलत भाग रहे हैं। हमें अर्थ के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें भागना चाहिए यूनिवर्स के पीछे। अगर हमें फॉर्मेशन, यूनिवर्स का ओरिजिन कहते हुए ये पता चल गया, तो अर्थ के ओरिजिन के बारे में अपने आप पता चल जाएगा। तो मॉडर्न थ्योरीज जो है वो बेसिकली किस पे काम करती है, वो यूनिवर्स के, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पे काम करती है। और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पे जो मोस्टली एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है हमारी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, और बिग बैंग थ्योरी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमने अर्ली थ्योरी पढ़ लिया है, ये हम मॉडर्न थ्योरी में नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, मॉडर्न थ्योरी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, इसको आप रिवाइज कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और ऑल द बेस्ट, और लाइक और शेयर कीजिए।